आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्हें मिस्सा बलिदान अर्पित करते समय तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 11 अप्रैल को संपूर्ण कलीसिया संत स्टानिस्लस का पर्व मनाती है। संत स्टानिस्लस का जन्म 26 जुलाई 1030 में पोलिश में हुआ था। वे पोलिश के नागरिक थे। उनके माता पिता बहुत ही धार्मिक थे। वही धार्मिकता का बीज, वही विश्वास का बीज उन्होंने अपने पुत्र में बोया है। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद संत स्टानिस्लस ने उनकी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। उनके पुरोहिता अभिषेक के बाद उन्हें क्रोको के महागिरजाघर में कैनन तथा प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद उन्हें वहां का विकास जनरल नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण रूप से सही तरीके से ईश्वरमय या भक्तिमय किया, जिससे लोग उन्हें बहुत अधिक पसंद किया करते थे। 1072 में उन्हें क्रोको का धर्माध्यक्ष बनाया गया। उनके धर्माध्यक्ष बनते ही उन्होंने अपने धर्म प्रांत में फैले सभी बुरे विचारों को और लोगों की बुरी सोच को बदलना प्रारंभ कर दिया, जिसके साथ ही उनके धर्म प्रांत में पवित्रता का जीवन लोग जीने लगे, जिसके कारण कलीसिया में एक नई चेतना, एक नई स्फूर्ति फैल गई। संत स्टानिस्लस के जीवन से लोग बहुत अधिक प्रभावित हो चुके थे। राजा बोसलेस द्वितीय की भी बातों पर वे उतना अपना भरोसा नहीं दिखाते थे जितना कि वे इस संत पर दिखाया करते थे। संत स्टानिस्लस के जीवन से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता चला गया। राजा ने बहुत अधिक मात्रा में उन्हें प्रताड़ित करने का निर्णय किया। उन्होंने एक जाल बिछाया ताकि संत स्टानिस्लस उस वासना के जाल में फंस जाए, परंतु उनके जीवन से, उनके प्रार्थनामय भक्ति से वे उनके प्रलोभन में नहीं आए। 11 अप्रैल 1079 को राजा ने अपने सैनिकों को संत स्टानिस्लस को मारने के लिए भेजा, परंतु अद्भुत तरीके से संत स्टानिस्लस बच गए। राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने निर्णय किया कि वे स्वयं संत स्टानिस्लस की हत्या करेंगे। जब संत स्टानिस्लस पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे थे, राजा उसी समय उनके पास पहुंचते हैं, म्यान से अपनी तलवार निकालते हैं और उनके सर को वहीं पर काट देते हैं। यह प्रेम का बलिदान संत स्टानिस्लस ने प्रभु के लिए, हम लोगों के लिए अर्पित किया है। 1090 को संत स्टानिस्लस का पार्थिव शरीर को क्रोको के महागिरजाघर में दफनाया गया। 1253 को संत पिता इनोसेंट चौथे ने उन्हें संत की उपाधि दी। संत स्टानिस्लस पोलिश के प्रथम पुरोहित थे जो कि संत बने। संत स्टानिस्लस पोलैंड के संरक्षक संत भी माने जाते हैं। आइए क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारे सभी कार्य प्रभु के लिए समर्पित हो और प्रभु के वचनों को सुनाने के लिए, उसकी महिमा के लिए हम सभी को समर्पित करें।